आई राजकुमार जी किधर गए? आओ तो साथ बोलिए। आप बाइक लगा लो अपना आगे। मेरी दुनिया से दूर, कौन जा रहा है मैम? दुनिया कौन जा रहा है? दुनिया से दूर तो नहीं जा रही, क्लास से बाहर जा रही है। तो जा रहे हैं तो सबको उदासी तो है ही है ना, तो इसलिए ये दो लाइनें मैं बोल रही हूँ। और मेरा साथ सभी लोग देंगे। किसके लिए बोल रहे हो आप दो लाइनें? ये इनके लिए, मेरी छोटी बहन प्यारी। क्या नाम है? डिम्पल। ये जा रही है क्लास छोड़ के, देखो तभी तो रो रही है। पहले तो मैं एक छोटा सा ये गाऊं, बाबू की दुआएं लेती जा जा तुझको। बाबुल वो खड़े हैं भाई, आ जाओ बाबुल साथ में। बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी संसार मिले, मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। तेरी दुनिया से दूर चले होके मजबूर हमें याद रखना, तेरी दुनिया से दूर चले होके मजबूर हमें याद रखना, जाओ कहीं भी सनम तुम्हें इतनी कसम हमें याद रखना, जाओ कहीं भी सनम तुम्हें इतनी कसम हमें याद रखना। बोली सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना प्यार और इतना सम्मान देने के लिए, इतना अपनापन देने के लिए, थैंक यू सो मच। ये ईशा जी की बहुत बड़ी मेहनत है कि जिन्होंने एक नारी शक्ति का प्रदर्शन किया है कि नारी शक्ति क्या कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने अपने दम पर एक से बढ़कर छः क्लासे पीतमपुरा में क्लास स्टार्ट कर दी और हम सब भाई बहनें उनके साथ दिया और सब में उनमें डिम्पल जी का बहुत बड़ा योगदान था, संजय जी का था और हमारे बीच में क्षमा है। क्षमा जी कहाँ गई? गायब हो गई ना? क्षमा है, राजेश जी हैं, इन सब लोगों ने और संजय जी ने बड़ा अपना साथ दिया इस क्लास का, क्लासों को बढ़ाने के लिए। तो इन सब का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं कि हमने सबको मिलकर। संजय जी दो शब्द कुछ कहेंगे। संजय जी सबसे पहले तो BDFD पार्क में जब मैं आने लगा तो मुझे मतलब एक दिल के ना सबसे जो कहते हैं ना कि पहला प्यार भूलता नहीं है, तो मुझसे इस क्लास में ऐसा लगता सारे मेरे भाई बहन हैं और इतना ज़्यादा प्यार हुआ मुझे। छः क्लासों में सबसे ज़्यादा दिल के नज़दीक मुझे ये क्लास लगती है और ये मेरी छोटी बहन इतनी ज़्यादा अच्छी है जिसका कोई हद हिसाब नहीं है, दिल की इतनी प्यारी है। कुछ लोग दिल में अपने जगह बना लेते हैं बिल्कुल, तो इसने मेरे दिल में बिल्कुल क्या एक जगह बनाई है इसने, और वैसे तो सभी मेरे दिल में हैं पर इसने मेरे खास मेरे दिल में है। और जब मुझे लगता है कि जब अगली बार आऊँगा तो नहीं दिखेगी।